प्रधानमंत्री जी पिछले 20। और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत, शहरों के कचरे का प्रबंधन होगा, कचरे के पहाड़ बनने से रोकने की कोशिश की जाएगी इस मिशन के जरिए। अमृत अभियान का ये दूसरा चरण जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। टाटा जीत सकती है एआई की बोली, इस वक्त की बड़ी खबर, टाटा ग्रुप जीत सकती है बोली, इस वक्त ये अहम जानकारी मिल रही है। सीएनबीसी आवाज की ये बड़ी खबर मिल रही है, टाटा जीत सकती है एआई की बोली, इस वक्त की बड़ी खबर। एयर इंडिया की बोली जीत सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएनबीसी आवाज की ये खबर बताई जा रही है, जिसके हिसाब से टाटा ग्रुप एयर इंडिया की बोली जीत सकती है, लगातार बोली लगाई जा रही है, और ऐसे में अब टाटा ग्रुप एयर इंडिया की बोली जीत सकती है, यानी कि हैवी अमाउंट ही टाटा ग्रुप की तरफ से लगाया गया है, और ऐसे में ये बोली उनके खाते में जाती हुई दिख रही है। रोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रोहन पूरी जानकारी विस्तार से बताइए जरा। जी, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो एयर इंडिया की जो पूरी डाइवेस्टमेंट प्रक्रिया थी, अब उसका जो बिडिंग है, विनर बिडिंग का जो है डिसीजन लिया जा चुका है। जो टाटा सन्स हैं उन्होंने इस पूरी बिड को जीता है, यानी कि जो टाटा सन्स हैं वो अब एयर इंडिया के नए मालिक होंगे। हम आपको बता दें, जो पूरी प्रक्रिया चली थी उसमें से दो बिडर्स जो है, दो लोगों ने बिड किया था, एक टाटा सन्स ने और दूसरे जो स्पाइस जेट के सीएमडी हैं अजय सिंह, उन्होंने अपनी निजी हैसियत में बिड किया था। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि टाटा सन्स के जो बिडिंग था वो हायर अमाउंट पे था, और इसलिए उन्हें ये पूरा जो एयर इंडिया है वो उन्हें सौंप दिया जाएगा। इसमें एक चीज जाननी जरूरी है कि एयर इंडिया की जो पूरी शुरुआत हुई थी वो खुद टाटा ने ही की थी, और अब टाटा इस विनिंग बिड के बाद दोबारा से जो एयर इंडिया है वो टाटा के पास जाती हुई दिखेगी। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है, और जो आखिरी जो फैसला किया गया वो अमित शाह की जो का जो पैनल है एयर इंडिया के ऊपर, उन्होंने इसको आखिरी मोहर दे दी। इससे पहले 2 दिन पहले विनिंग बिड निकाले जा चुके थे, और अब जो है अगले 3-4 महीने में ओनरशिप का जो ट्रांसफर है वो किया जाएगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बोली टाटा ग्रुप ने ही लगाई है, ऐसे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक हो सकता है रोहन? जी, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दो ऑफिशियल सूत्र हैं, चाहे वो दीपम के हों या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के हों, उनकी तरफ से इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जो जो अभी तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं, ये विनिंग बिड टाटा के हाथ में गया है और बहुत जल्दी इसे इंटीमेट कर दिया जाएगा। वेडनेसडे को हम आपको बता दें कि दोनों जो बिडर्स थे उनको सेल परचेज एग्रीमेंट दिया गया था, उनको जो शर्तें थी वो बताई गई थी, और ये बताया गया था कि आप में से जो भी जीतता है उन्हें इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा, कितने जहाज हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो सेल परचेज एग्रीमेंट में लिखी हुई थी। और अब जो है, अब जो आगे की प्रक्रिया होगी वो होगी ट्रांसफर करने में, और इसमें जो एयर इंडिया के जो कर्मचारी हैं, अभी 2 दिन पहले ही एक चिट्ठी उनको लिखी गई कि आपने जो सरकारी जो एकोमोडेशन है उनको आपको खाली 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा, और इस तरह की जो बाकी तमाम प्रोसीजर्स हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 महीने के अंदर टाटा के हाथ में दोबारा से एयर इंडिया आप देखता हुआ पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया रोहन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, हम मुख्यमंत्री के आवास के घर के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए, वहां पर सुरक्षा का पहरा काफी ज्यादा है, आम लोग भी मौजूद हैं। कुछ ही समय रह गया है, 12 बजे चन्नी दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, और सबसे अहम ये उनकी मुलाकात होने वाली है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से। इस बीच बड़ी खबर अपडेट मैं आपको दे दूं, एडवोकेट जनरल जिनके नाम पर सिद्धू को आपत्ति थी वो वहां पर आवास पर, चन्नी के आवास पर मीटिंग कर रहे हैं एपीएस देओल। इसको लेकर के आप समझिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि एपीएस देओल को हटाया जाए, क्योंकि वो उन्होंने पूर्व डीजीपी का साथ दिया था। और दूसरी बात यह है कि डीजीपी ने बादल परिवार का साथ दिया, लेकिन जो मीटिंग हो रही है दिल्ली उनके जाने से पहले, ये मुलाकात एजी के साथ काफी अहम है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं चंडीगढ़ से आपको दे दूं। और देखिए, दूसरा अपडेट यह है कि पीछे हेलीपैड है जो मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगी, वहां पर अभी उनका चॉपर लगेगा, रूट तैयार हो चुका है, बस चॉपर लगने की देर है, उसके बाद वो उड़ान भरेंगे। फिर शाम को 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात इस लिहाज से अहम है क्योंकि जो धान की खरीद है उसको लेकर की बात हो सकती है, जो डिले हुआ है 10 दिन का, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने पत्र लिखा था उसमें कहा था कि धान में नमी है, ऐसे में पंजाब और हरियाणा इसको अभी 10 दिन तक रोक दे। इस मसले पर, किसान आंदोलन के मसले पर, कृषि कानूनों के मसले पर मुलाकात हो सकती है। लेकिन पिछले 12 दिनों में हम देखें, जब से चन्नी ने मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली है उसके बाद ये 4थी बार ऐसा होगा जब वो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने से पहले अपने आवास पर वो लोगों से मिले,
उनके घर पर विधायकों का पहुंचना जारी है। एजी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कल जो 2 घंटे तक मुलाकात हुई उसमें एजी के नाम पर मंथन हुआ, क्योंकि सिद्धू ने कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाए मुख्यमंत्री चन्नी